हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो देखो, आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनको आपको करके ही जाना चाहिए और यही मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ, 10 साल बढ़ाने का, और मैं खुद एमएससी मैथमेटिक्स से कर चुका हूँ, ठीक है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूं, देखो बेसिक किन वालों के हिसाब से अलग चीज़ होती है और स्टैंडर्ड वालों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टैंडर्ड के वालों के लिए बताऊंगा, बेसिक वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एनसीईआरटी के, जिनको आपको करके ही जाना चाहिए। देखो ये आपका थ्योरम है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका हर बार आता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पर। सो क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लो। अब मैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहा हूँ तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला 1.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन। तीनों पार्ट आपको करने चाहिए और ये दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करके ही जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके करके ही जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर ये जो आपका ट्री मेथड है इसको भी आपको करके जाना चाहिए कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पर एक प्रॉब्लम आ जाता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, आपको मिलेगा क्वेश्चन, जैसे कि 1.2 है, इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो क्वेश्चन ही हैं जो स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई सा भी नहीं, ठीक। उसके बाद आता है आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रूफ दैट करने के लिए, जो हर साल आता है, हर साल, चाहे आप स्टैंडर्ड हो चाहे आपके पास बेसिक हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गया सेकंड और ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। रूट 5 की जगह रूट 3 दे सकता है, रूट 2 दे सकता है, ये क्वेश्चन तो आपको पक्के एग्जाम में मिलेंगे, फुल गारंटी। उसके बाद यही प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कितने प्लेस के बाद डिवाइड होगा। उसके लिए आपको ये थ्योरम वगैरह पता होना चाहिए, थ्योरम 1.6 वगैरह दिख रहा है ना आपको, ये थ्योरम आने चाहिए और उन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद रैशनलाइजेशन छाटने के लिए आ सकता है 1 मार्क्स में, ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं हम। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर बात की जाए तो देखो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये जो 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 एक्सरसाइज में आपको जीरोस बताने होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है। ग्राफ पेपर में एक्सरसाइज पे ये जो कट मिलते हैं आपको कि कितने जीरोज़ होंगे, ये बताने के लिए आ सकता है 1 मार्क्स में। तो ये तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर बात की जाए। आगे बढ़ते हैं तो इन जीरोज़ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और रिलेशन निकालने के लिए आता है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा के देगा। मैं सिर्फ इस की वीडियो में एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्यूबिक में भी ये रिलेशन आता है, क्यूबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शनल में से आपका प्रॉब्लम एक बनेगा ज़रूर इस चैप्टर में से, ये फुल गारंटी है मेरी। तो 2.2 में आपका क्वेश्चन जैसे पहला वाला है, पहले के तो सारे ही करने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा, डिविडेंड डिस्कस टू डिविजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है इसमें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9, हाँ ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं 2.3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके ही जाना। अगर ऑप्शनल की बात करूँ तो ऑप्शनल पे आपके ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करना। और मैंने पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करवा रखी है, डोंट वरी गाइस, प्रीवियस के क्वेश्चन, एनसीईआरटी सैम्पल पेपर का सोल्यूशन सब फ्री है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके तैयारी अपनी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, इसमें देखो ग्राफ खींचना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संगत असंगत यानी कि जो आप निकालने के लिए आता है ना, वो आपको आना चाहिए।
मेन चीज़ इसमें वही है, पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो आपको आना चाहिए, और आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए पहले पहले की अगर बात की जाए तो। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे इस टेबल पर बेस क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम्पल पे। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके ही जाना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आप एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बना लेते हो, सो आपको अदर बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल दावा है आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करके जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इसमें आपका जो आता है एलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे आना चाहिए, लेकिन सबसे यूजफुल जो मेथड है वो कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। सो 3.3 में क्वेश्चंस नंबर 5th वेरी इंपॉर्टेंट है, 2nd वेरी इंपॉर्टेंट है, और ठीक है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकेंड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया, ये जो 3 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 3.4 पे आ जाओ, 3.4 पे। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये इनमें से कोई सा भी आ सकता है, 2 के 5 पार्ट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक मैं गारंटेड क्वेश्चन आपको अभी देने वाला हूँ, जो उसकी मैं फुल गारंटी लूँगा कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये का मतलब है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आएगा, ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा, इसकी फुल गारंटी मेरी है। ठीक है, इसे ज़रूर करके जाना आप, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4th और ये 5th, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 19, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम पक्का आएगा, ठीक है, ये हर स्टेट हर बोर्ड में आता है, हर बोर्ड में, सिर्फ सीबीएसई में ही नहीं, हर बोर्ड में आता है, और ये क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट था। 3.6 में आ जाओ, तो 3.6 पे आपका जो क्वेश्चन है वो 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 3 क्वेश्चन तो भाई क्या कहने हैं इसके, ये तो भाई रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन, इनमें से एक तो आना ही आना है, ऐसा हो जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शनल 3.7 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको करके जाना। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मार्क्स का आ सकता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है चेक करके बताओ, तो 4.1 तो आपका उसी पर बेस्ड है, सो उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वो तो हो ही जाता है 4.1। मैं सीधे सीधे 4.2 पे आ रहा हूँ। 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3rd इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 1 मार्क्स में या फिर टू मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड तो हटा दिया गया आपके सिलेबस से, सीबीएसई से इस बार, तो उसे आप स्किप कर दो, वो नहीं आएगा इस बार, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा। सो ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, इसे ज़रूर कर लेना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, जितने भी सैम्पल पेपर देखे मैंने, प्रीवियस के क्वेश्चन देखे, ये प्रॉब्लम हर बार आता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। 4.3 पे आ जाऊँ, मैंने जैसा कि बोला ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 3rd का 2nd इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3rd का 2nd इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना 9th इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 8वें से रिलेटेड क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखा है, बट मार्क करा दिया है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स पर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इस पर, इस टॉपिक पर प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको
मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड कर लेना। अब आता है हमारा देखो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के, तो बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, लेकिन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखना। और मैं कहूँगा कि 5.2 5.3 पूरा कर लेना पूरा, इसमें से कह नहीं सकते कि कौन सा एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल हैं और कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी। ठीक है, अब मैं 5.3 की मैं बात करूँ तो कुछ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5.3 की बात की जाए तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका कोई इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये लट्ठा वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये आलू दौड़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें देखो थ्योरम है 6 पॉइंट में बता दे रहा हूँ कौन सा थ्योरम आपको प्रूफ आना चाहिए। 6.1 6.2 उस पर बेस्ड क्वेश्चन, 6.6 थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों का प्रूफ आना चाहिए विद स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन में आ जाएगा, प्रूफ भी आना चाहिए। और इन सब का प्रूफ मैंने करा रखा है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन मार्क कराऊंगा इंपॉर्टेंट इसमें से, तो 6.1 को स्किप करो, 6.2 पे आओ। 6.2 पे बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, और सीधा सीधा आ जाओ आप 6.3 पे। तो ये 6.3 पे देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो 2 है ये दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फिगर, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4th, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, और आपको ये करके जाना चाहिए ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये जो दिख रहा है फिगर वाला प्रॉब्लम, इसे करके जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ थ्योरम आपको आना। 6.4 ये पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है, और ये क्वेश्चन नंबर 6ठा 7वां और ये 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है एग्ज़ाम में। आगे बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना आना चाहिए, अभी मैंने बोला था। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, अगर बात करें 6.5 चैप्टर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, अब बात करेंगे लास्ट के कुछ क्वेश्चन, एक तो आएगा हेलीकॉप्टर वाला, एरोप्लेन वाला, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो भाई ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बाकी ये 16 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इससे पहले का एग्जाम्पल था, मैं बता रहा हूँ इससे पहले का एग्जाम्पल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये वाला, आ सकता है एग्जाम में। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर अगर 7 की बात की जाए तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पता ही है आपको, ठीक है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन कोलिनियर पे प्रॉब्लम आ सकता है, कोलिनियर कॉन्सेप्ट पे, ठीक। तो 7.1 में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3rd इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको ज़रूर करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो सेक्शन फार्मूला पर प्रॉब्लम है उस पर अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल में, ठीक, आगे बढ़ो। सेवन पॉइंट टू में जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आ जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद 8वां वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
ठीक है। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कोलिनियर कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, कोलिनियर कॉन्सेप्ट पर, सेकंड वाला प्रॉब्लम ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना। 7-4 ऑप्शनल है, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, ठीक है, और मैंने सारा करा रखा है, अब आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चैप्टर नंबर 8 पे अगर बात की जाए, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 8.2 पे आ जाओ, 8.2 को करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए पहली तो बात तो, ठीक है, टेबल ये वाला जो टेबल है आपको पूरा पूरा आना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए टेबल। टेबल याद नहीं होगा तो क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं, पहले बात तो ये है। अब 8.2 में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई सा भी, और फिर जो इम्पोर्टेंट है वो ये थर्ड वाला, फिर ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इसमें से भी कोई सा भी आ सकता है, कोई सा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है वो ये 6, काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में। फिर आ जाते हैं 8.4 में, नहीं हाँ 8.4 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये वाला प्रूफ करने के लिए बार बार आता है, और उसके बाद लास्ट के जो 10 पार्ट्स हैं इनमें से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं बताने से, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद यूजिंग करके लिखा होगा, हाँ ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम है, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन मैंने वो टिक किए हैं जो आपको करने ही चाहिए, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक, ज़रूर करके जाना इनको। चैप्टर नंबर 9 में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक आएगा आपका, ठीक है, लास्ट में अभी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वो आपका ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे फिगर ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ रखा है काफ़ी काफ़ी बार, यानी एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप एक्सरसाइज में आओगे तो 9.2 में आपको ये दूसरा सवाल करके जाना चाहिए बिल्कुल, और उसके बाद एक पेडेस्टल वाला प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये स्टैचू 8वां और 9वां, ये क्वेश्चन आने चाहिए आपको पूरा पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 15वां और 16वां ज़रूर करके जाना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये 15वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको तो करके ही जाना है। चैप्टर नंबर 10 में 10.1 है, 10.2 थ्योरम से क्वेश्चन सारे बनते हैं, वो थ्योरम के प्रूफ भी आने चाहिए आपको, और 10.1 में अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ तो वो थर्ड है। 10.2 में अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो ये वाला प्रॉब्लम फिगर वाला, इसको आपको आना चाहिए, और मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फिगर वेरी इंपॉर्टेंट, 9th वाला, ठीक है, उसके बाद 10, 11, 12, 13, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके कॉपी में ज़रूर मिलेगा एग्जाम वाले दिन, ये गारंटी है। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सो आपको करके ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका 6, बहुत इंपॉर्टेंट, 11.1 में करके ही जाना चाहिए। 11.2 में अगर बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 की खासियत बताऊं, जो क्वेश्चन आपको करके करने ही करने हैं, इनमें बता नहीं सकते आपका कौन सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको फॉर्मूले तो आने चाहिए, साथ ही साथ जितने भी फिगर वाले प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल में, कॉपी में, एनसीईआरटी के जितने भी फिगर वाले प्रॉब्लम हैं सारे का डालो विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल तो कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, पहली बात बता रहा हूँ, फिगर वाले सारे प्रॉब्लम सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें मैं बता नहीं सकता, ये प्रॉब्लम भी करके जाना,
एग्जाम्पल नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जितने भी फिगर वाले प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे। इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाओ, फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलने वाला, फॉर्मूला आपको सारा आना चाहिए। और ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना। और आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, तो ये वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन कैप्सूल वाला, ठीक है। इसमें से बस एक ही बताऊंगा, और ये क्वेश्चन नंबर 9, वुडन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आगे के एक्सरसाइज में आते हैं 13.2 में, तो ये गुलाब जामुन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर कनाल वाला, 8 और 9। एंड फर्स्ट टर्म पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, करके ही जाना। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको करके ही जाना है। स्टैटिक्स में अगर क्वेश्चन मैं बताऊँ, सो देखो इसमें आपको ओगिव आना चाहिए, ओगिव की मदद से मीडियन निकालना, मीन मीडियन मोड में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। मोड निकालने के लिए पक्का आएगा 2 मार्क्स में, और उसके बाद मीन निकालने के जो मेथड है वो आ सकते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड ओगिव ये करके ही जाओ, इस पर क्वेश्चन तो बतेरे मिलेंगे इसमें आपको एनसीईआरटी में, क्या बताऊँ। इतने सारे क्वेश्चन हैं, उनको करो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर्स में बना रखी है मैंने, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और चैप्टर नंबर 15 में अगर बात करूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखा, ये मेरे सोल्यूशन आया मेरे सामने पेज नंबर 285 पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको भी करके लेना। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और फिर डाइस, पासा, मतलब फिर आपका ताश के पत्ते, फिर आपका कॉइन, इन पे बेस्ड जो जितने भी प्रॉब्लम हैं आपके, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होगी इसके लिए। प्रोबेबिलिटी में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, करा रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको ज़रूर कर लेना। उन्हीं में से एग्ज़ाम में फंसेगा बहुत सारा क्वेश्चन, ये गारंटी है, ठीक है। तो इनको पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, हमारा एग्ज़ाम बहुत शानदार जाएगा।